अभी पहुंच तो गए थे हम लोग 2 बजे के आसपास, सुबह 5:30 के आसपास हम लोग भिलाई से निकले थे। अब हम लोग एक साइट सीइंग में निकलेंगे, देखते हैं यहाँ पर आजू बाजू में बहुत अच्छा नज़ारा है। ये देखिए पीछे पहाड़ दिख रहा है, कुछ घर वहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, कॉटेज जैसा बना हुआ है, होटल रूम ही होगा मेरे ख्याल से। ये ऐसा सीन है, ये हमारी गाड़ी निकल रही है अभी। तो एक दो छोटा मोटा सीन देख लेते हैं, साइट सीइंग कर लेते हैं, क्या है नहीं है वो सब आपको हम दिखाएंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा। साथियों अभी हम कॉफ़ी गार्डन की तरफ जा रहे हैं, अपने होटल से निकल के ये है रोड, आपको सीधा जाना है, मार्केट के अंदर से निकलेंगे हम। रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है, साइट में बैरिकेड्स लगे हुए, फेंसिंग लगे हुए हैं, साफ सुथरा है। ये देखिए ये हमारी पूरी मंडली है, हाँ ये सब हम जा रहे हैं। ये देखिए ये जो मैं बता रहा था ये मार्केट एरिया है, एक चौक पड़ेगा सामने, आ गया वो चौक, ये चौक नहीं एक्चुअली इसको तिराहा बोल सकते हैं, पर लेफ्ट तरफ बहरमपुर चला जाता है, हम स्ट्रेट चलेंगे अभी। ये सीधा हम निकले, ये है राइट टर्न, राइट टर्न के बाद थोड़ा सा जाएंगे फिर आपको रास्ता थोड़ा सा खराब मिलेगा, काम चल रहा है बहुत जल्दी, ये रास्ता शायद आप लोग जब विजिट करेंगे तब तक ये रोड बन जाए। दोनों तरफ लोग वहां अपने घर बना के रखे हैं। मुझे लगता है कि आप जब तक आएंगे तब तक ये बन चुका होगा साइड से, नाली भी बना हुआ है रोड के साइड से, तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। ये हम ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं, कुछ फेरी वाले हॉकर्स हैं साइड में, किसी को नाश्ता चाय पीना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये कुछ विजिटर्स भी जा रहे हैं हमारे सामने, अच्छा यहाँ के जो लोग हैं ये है ओडिया लेकिन इन लोग बंगला भी बोलते हैं, सो बंगाली टूरिस्ट अगर यहाँ आ रहे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, अगर उनको हिंदी नहीं मालूम है तो। हम पहुंच गए हैं लगभग कॉफी गार्डन के एंट्रेंस में, कार को यहां साइड में पार्किंग कर देते हैं। सामने एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे दिख गया, क्या पहने हो? किसेर का सर, हमें कौन कोई किसेर का, कोई क्या बोलते इसको, किसेर का मतलब कानर झुमका है। अच्छा कानर झुमका, इयरिंग। हाँ इयरिंग तो है लेकिन ये कब से पहन रहे हो? ओ बेलूम बेसुमला में अन्ना बच्ची छोटा है, वो उसका 1 साल की 2 साल हुआ उस टाइम से। हाँ उस टाइम से वो। और यहाँ पर तो इतना सारा टैटू टैटू है।
ये देखो मेरे हाथ में भी टैटू बना हुआ है। हाँ, ये टैटू बना हुआ है यहाँ पर, ये अम्मा भी टैटू बनाई है चेहरे में देखो। अच्छा यहाँ पर ये क्या चीज है, ये क्या जगह है? कॉफी गार्डन। अच्छा कॉफी गार्डन। ओके कॉफी गार्डन है यहाँ पर, क्या खास क्या है यहाँ पर? कॉफी और गोलमरिच, वो मिर्ची हरा काला रंग का। अच्छा अच्छा ब्लैक पेपर टाटो बने बापरे ये कॉफी गार्डन एंटर करने का ये है रसीद। कितना है फीस? ₹10। और बच्चे लोग के लिए कितना कितना छुट्टा है, कितना है? अमित जी ₹10 है पर पर्सन, ₹10 है। अच्छा ओके मैंगी फेरा इंडिका साइंटिफिक नेम मैंगो। ये दोनों तरफ प्लांटेशन किया गया है। सारे बॉटनिकल पौधे पेड़ आपको देखने मिलेंगे यहाँ पर। कुछ यहाँ जो पेड़ है इस ऊपर ये ब्लैक पेपर बेल टाइप का होता है, के बोनसाई कॉर्नर से ऊपर के तरफ पेड़ से चढ़ते हुए ऊपर निकल जाते हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा ब्लैक पेपर का। ये देखिए ये है कॉफी, कॉफी बीन्स। कॉफी बीन्स अभी कच्चे फॉर्म में है, दिखता है एकदम वो एक फल आता है खट्टा होता है बहुत, वैसे दिख रहा है बट ये भी कच्चे फॉर्म में है। जब ये पक जाता है तब ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ये देखिए ये कभी कच्चे फॉर्म में है, बीच में एकदम लाल मिट्टी है, बीच का रोड है। ये एक डायरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। साथियों आप लोग को देख रहा होगा कि यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। गोरिल्ला है, बियर फैमिली है, ये ऐसा कुछ उसके कैफेटेरिया भी है। चलिए देखते हैं किड्स जोन में क्या है वहाँ पर। देखिए कितना ब्यूटीफुल रोड है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ है, बीच में लाल मिट्टी का रोड है, एकदम वेल मेंटेन्ड है। ये हमारे सबसे छोटा मेंबर की दारुण लाग से देखते चलिए देखते हैं अंदर में। इतना ब्यूटीफुल, इतना निस्तब्ध, इतना शांत, आप आएंगे एकदम आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये देखिए पेड़ की हाइट देखिए, ये ऊपर जा रहा है, काफी हाइट है पेड़ का। आसमान भी साफ है, धूप है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ठंडक फील कर रहे हैं हम, नवंबर का महीना है। ये देखिए ये जो पौधा देख रहे हैं ये है ब्लैक पेपर का पौधा। देखिए एक स्पाइडर भी दिख गया हमको, कोशिश करते इसको कैमरा में कैप्चर करने का। रेड कलर का स्पाइडर है। ये है कैफेटेरिया, यहाँ पर आप चाय कॉफ़ी कुछ पीना चाहते स्नैक्स जैसा तो यहाँ आपको वो अवेलेबल है।
अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ इन लोग कुछ प्लांटेशन करते, ये जो गार्डन है कॉफ़ी गार्डन, इसका जो सीडलिंग से वो तैयार करते। और ये जो रहा, ये अगेन आपको मैं दिखा रहा हूँ, कॉफ़ी अभी लगे हुए हैं। साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा, लाइक्स कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते दारिंगबाड़ी के एक दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पर। नमस्कार।